हिमाचल के कांगड़ा जिला के चंबी में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं रोजगार को लेकर भी बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का अभियान चला रखा है। हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने पर रोजगार मेलों का अभियान तेज होगा। भाजपा सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हिमाचल के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए जा रहे हैं। क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। आप देखिए, आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके दो ही सरकारें बची हैं, एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है, नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती है। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? हाँ, मेरा तो अनुभव कहता है कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी, कांग्रेस यानी विकास कार्यों में रोड़े अटकाने की गारंटी। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो, यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। आज देखिए, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को मिल रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के तो सिर्फ नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट आज हिमाचल को चल रहे हैं। आज पूरे हिमाचल में 4 लेन नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, मटोर हो, पठानकोट, पालमपुर, गगल मंडी हो, ये प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे तो यहां आपके लिए सुविधा बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, आज जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल के युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। युवाओं के लिए लगातार नए मौके बना रही है। अभी केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का अभियान चला रखा है। जैसे ही यहां भाजपा की सरकार बनेगी, हिमाचल में भी रोजगार मेलों का अभियान तेज किया जाएगा। साथियों, हिमाचल का औद्योगिक विकास भी यहां रोजगार के नए अवसर बना रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल को मिल रहे हैं। हिमाचल देश के उन 3-4 राज्यों में से हैं जहां ये उद्योग लग रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ने यहां लोगों की सुविधाओं भी बढ़ाई है और युवाओं को रोजगार भी दिया है।